बड़ी खबर आ रही है कुशीनगर जिले के ग्राम सभा कोप जंगल के पशु आश्रय केंद्र से। जब वहां काम करने वाले कर्मचारी ने सीएमएन न्यूज को बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि गायों की मौत के बाद बिना पोस्टमार्टम के किस तरह से दफना दिया जाता था और चारे पाने के भाव में किस तरह से गायें दम तोड़ देती थी। वहीं दर्जा प्राप्त गौ सेवा आयोग के मंत्री अतुल सिंह ने गौशाला के निरीक्षण के दौरान सीएमएन न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी और इस वक्त सीएमएन न्यूज की टीम कुशीनगर जनपद के खड्डा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा कोप जंगल में पहुंची है। जैसा कि सीएमएन न्यूज लगातार पिछले कुछ हफ्तों से कोप जंगल ग्राम सभा के गौशाली की जो है लगातार खबरें दिखा रही थी कि किस तरह से जो है गाय मर जा रही हैं, उसके पीएम नहीं कराया जा रहा, उनको दफना दिए जा रहे हैं। इन सारे मामले पर आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ के एक कर्मचारी ने यहाँ की सारी दास्तान को बयां किया है कि किस तरह से गाय जब मर जाती थी तो उनको जो है दफन कर दिया जाता था बिना पीएम के। और इसमें उन्होंने बताया कि यहाँ के सफाई कर्मियों के साथ साथ ग्राम प्रधान का भी इसमें एक बड़ा रोल रहता था गायों को दफनाने में। अब बात करेंगे हम उनसे, हमारे साथ हैं, क्या होता था यहाँ पर, किस तरह से गायों को दफन कर दिया जाता था। इसमें चौवा मर जाते हैं तो प्रधान जी और कर्मचारी मिलकर हलवा देते हैं, हलवा कर कहते हैं प्रधान जी 200 रुपये आदू जी आपको पैसा मिलेगा, हम ये पैसा नहीं पा रहे हैं। कहाँ के निवासी, कहाँ के आप, पूरा नाम क्या है आपका? हमारा निवासी है कुप जंगल ओंकारी यादव। और कब से काम करते थे इस गौशाले में? काम हो गया शुरू से लास्ट, हम काम किए हैं 2.5 महीना काम किए। अच्छा, तो ये सारी झाड़ियाँ जो गौशाले के पीछे के जो ये सारे क्षेत्र हैं यहीं पे आप गायों को दफना देते थे? हाँ, जंगल में हमारा हलवाते हैं प्रधान। कौन कौन लोग रहते थे साथ में यहाँ दफना देते थे बिना पीएम के, बिना किसी उसके मौत का कारण पता किए? अधिकारी तो इनकार कर रहा, हम तो रहते नहीं। अच्छा, गाय मर क्यों जाती थी, किस कमी से मर जाती थी, क्या होता था? खाने भी गाय मर रही है। अच्छा, उनको पूरा जो है खान-पान नहीं मिल पाता था? नहीं मिलता, नन भेली मिलता है, नन चोकर मिलता है, एक बोरा चोकर आएगा तो 2 दिन हम खिलाएंगे, नमक खिला रहे हैं। अच्छा, क्या जब इसकी शिकायत आप करते थे अधिकारियों से, कर्मचारियों से कहते थे कि नमक नहीं है, चोकर नहीं है, सारी मंगाने की जब आप पाते कहते तो क्या कहते थे? कहते हैं प्रधान, कहते हैं हम नरखा फाड़ गए, हम कहाँ पैसा पाएंगे। ग्राम प्रधान कहते हम कहाँ पैसा पाएंगे, कहाँ से देंगे। तो एक बड़ा खुलासा हुआ है यहाँ पर कोप जंगल गौशाले में। आपको बता दूं, गाय जो है मरती थी और ये दफनाने का सिलसिला जो है लगातार चलता था। कितने महीनों से ये गाय को दफना दिया जाता था? शुरू से चला था ये खेल, शुरू से ये मेरा लास्ट खाली रोज हलत, रोज मरता, रोज हलत ना, यही काम होता रहता था, यही काम। आइयो 5 गो मरद बना कूँ एकदम। अब तक कितनी गाय जो है मर गई है यहाँ पर और कहाँ कहाँ ये सारे क्षेत्र में लगातार जो है बदबू आ रही है। सीएमएन न्यूज की टीम लगातार यहाँ पर पहुँच के कवरेज की है, पूरे चीज़ों को खुल करके बताइए, पूरा देश देख रहा है। सर, हम बोल रहे हैं पूरा ही 5 बीघा नंबर है, इसमें जंगल झाड़ी है, उसमें सब चौगा हलावलेबानी, कम से कम 2-3 किलोमीटर 20 घर और हलावलेबानी उत्तर प्लाट में, और प्लाट है तो उसका जोता गया है, उसमें 20 घर आए हैं। अब दक्षिण प्लाट है उसमें 10 घर आए हैं, अब 5 आज मरा हुआ है। अच्छा, तो क्या आज जो है मंत्री जी आ रहे हैं, तमाम तरह के गौशाले में व्यवस्था की गई है, साफ सफाइयाँ की गई हैं, तमाम तरह के कर्मचारी आज लगे हुए हैं, क्या इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और हर चीज़ सफाई आप हमेशा देखते थे क्या गौशाले में? सर कोई नहीं, दिन भर कचरा रहा है ना, जब 4 दिन पर 5 दिन पर गोबर फेंकाते रहा। अच्छा, जब मंत्री जी आ रहे हैं तो सारी सफाइयाँ की जा रही हैं, हर चीज़ व्यवस्थित किए जा रहे हैं। ऐसा मंत्री साहब वो दिन आए नहीं तब सफाइयाँ शुरू कर लो, आज आदिवासी घास रोज नहीं आ वाला। अच्छा, घास ही हफ्ता पर 2 दिन पर 15 दिन पर 8 दिन पर हफ्ता पर घास कटाला, आज देखो कि घास धोल बा, चारा हम खिलावे तो हम जानता नहीं। और क्या आपको तनख्वाह वगैरह समय से मिल जाता था? प्राइवेट के कर्मचारी के तौर पे आपको रखा गया था ग्राम प्रधान के द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा, तो क्या आपको तनख्वाह वगैरह जो है वो मिलता था समय से? सरकार हम 1 रुपया तनख्वाह नहीं पौले, 1 रुपया नहीं तनख्वाह पौले, 2.5 महीना 15 दिन हम चौकीदारी कैले बनी जंगल में रह के कैले बनी। क्या किस बेस पे आपको रखे थे लोग यहाँ? हम कह रखे हैं वो कहना आप गाँव का नज़दीकी आदमी हो, तुम इसमें रहो तुमको पैसा मिलेगा, 6,000 महीना मिलेगा, और तुम होशियार आदमी हो तो हम कहें सर अरे जाति बानी ठीक बा, खिया पिया हम खिया लेब, हम चलो पता ही हम कह रख लो आकर का 1 रुपया हम कहने खेदा लो। हाँ सर, ये बताइए, इसके पूर्व भी आपने इस गौ संरक्षण केंद्र का निरीक्षण किया है, तब में और अब में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? आज आने के बाद जो बृहद गौ संरक्षण केंद्र के बगल में खाली ज़मीन में जिस तरह से पशुओं को दफनाया गया है वह एक कब्रगाह का शक्ल ले लिया है। और जो बातें यहाँ जानकारी में आई हैं कि यहाँ पर तमाम पशु जो गोवंश हैं वो मर जाते हैं, उनकी पोस्टमार्टम नहीं होती है, उनको दफना दिया जाता है, बाहर से गोवंश को लाके संख्या को पूरा कर दिया जाता है,
ये सारी बातें मेरे संज्ञान में आई हैं। और आज शाम को इसी संदर्भ में एक जिलाधिकारी और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हम लोगों की बैठक भी है। उस बैठक में इस पूरे विषय का मैं जांच कराऊंगा। एक टीम बनाई जाएगी जिले में, उस टीम में पशुपालन विभाग से, क्योंकि यह विभाग सीधे इन्वॉल्व है इसमें, तो पशुपालन विभाग का कोई भी अधिकारी उस कमेटी में नहीं रहेगा। ये अलग कमेटी रहेगी जो एक हफ्ते के अंदर पूरी रिपोर्ट देगी आखिर में। ठीक, आखिर इन पशुओं के मौत का कारण क्या है, क्या मानते हैं आप कि कैसे पशु मर रहे हैं? अब ये तो जांच हम करा रहे हैं, जांच में सारी बातें साफ हो जाएंगी। सर, पिछले 2-3 महीने से इस तरह का खेल चल रहा था, लगातार पशु मरते थे, बिना पीएम के उनको ले जाकर के पीछे झाड़ियों में दफना दिया जाता था, कई बार यहाँ से गाड़ी से लाद करके और तमाम जगहों पे भी ले जाकर उनको छोड़ा गया है, जिसकी खबरें लगातार सीएमए न्यूज़ ने चलाया है। उसके बाद बावजूद भी सर इस तरह का घटना आए दिन जो है सामने आता रह रहा है। अब तो जाँच में जो भी दोषी होगा, जिसने भी बिना पीएम के गोवंशों को दफन करा दिया होगा, जो भी संलिप्त होगा वह बख्शा नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है।